सो हेलो बेस्ट मित्रों एंड मित्रानी, तो कैसी है मेरी प्यारी जनता, मजे में, एकदम मजे में। तो कमेंट बॉक्स है ना हमारा जो नीचे का, उसे फोड़ के अपने हालचाल लिख दो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ग्रैनी थ्री, बट इन ग्रैनी थ्री सब्सक्राइबर गिव। भाई 2 मिनट तो ठंड रख ले, मेरे को मेरे इंट्रो तो पूरा करने दे। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि हेलो जी जी। अरे अभी कौन बोला है, अरे मेरे को मेरे इंट्रो तो पूरा करने दे। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि भाई ग्रैंडपा अब तो चलने दे, अब मैं तेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला हूँ। भाई हेलो भाई, कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। भाई तुमने मुझे नहीं पहचाना। भाई कौन है भाई तू, मैं तेरे को नहीं पहचानता। मतलब भाई फेमस हो गया है तो अपने जिगरी दोस्त को भूल गया। अरे भाई रो मत। हाँ मतलब तू रमेश है। हाँ भाई, लेकिन मेरे को तू ये बता, तू यहाँ पर आया कैसे। तुम्हारी तरह ही मैं रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, उसने मुझे पकड़ लिया और मैं यहाँ पर आ गया। अरे भाई रो मत, अभी मैं आ गया हूँ ना, हम दोनों मिलकर स्किप करेंगे। लेकिन स्किप करने से पहले हम लोग एक मिशन तो पूरा कर ले जो हमें हमारे सब्सक्राइबर ने दिए ही। भाई कौन सा मिशन। अरे रुक जाना मैं बता रहा हूँ ना। तो हमें ऐसा मिशन दिया गया कि हमें सबसे पहले ग्रैंडपा के हाथे ग्रैनी को मरवाना है, फिर उसके बाद हमें ग्रैनी के मरने के बाद हमें ग्रैंडपा को स्लिंग शॉट से मारना है, फिर हमें खुद जाके खुदकुशी कर लेनी है। भाई बहुत मुश्किल है इनको मारना, प्लीज भाई मैं नहीं आऊंगा। और हमारे सब्सक्राइबर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने हमें बाद में कमेंट की कि भाई डर लग रहा हो तो। मेरा खून खोल उठा और मैं डायरेक्टली एक्सट्रीम मोड पे गेम को शुरू कर दिया। भाई जो जोश में होश मत खो देना प्लीज। भाई नॉर्मल मोड पे तो ठीक था, लेकिन एक्सट्रीम मोड पे मैं नहीं आने वाला। भाई हमारे रमेश ने तो हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना। तो चलिए चलते, अभी हम उठ गए हमारी नींद तो को लिए। भाई कैसे रूम में बंद कर दिया इसने हमें। चलो जल्दी से ये लॉक पिक उठा के बाहर जाके ग्रैनी और ग्रैंडपा के बजाते। यार ये होती नहीं यार, क्या हुआ, ग्लिच है यार। आई देखो अभी उठ जाए। भाई ये तो ये कि थोड़ा एक्सट्रीम मोड है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ले ग्रैनी के और एक चीज, मतलब ये दरवाजा है, कितना देर लगता है इसे खोलने में। भाई जल्दी कर, सुबह पनवेल निकलना। जनता दरवाजा तो खोल गया, ग्रैनी को ग्रैंडपा के हाथों से मारना है, मतलब टेडी चाहिए होगा। हाँ वाह, ये टेडी भी हमें यही पर। और सबसे पहले इस दरवाजे को खोल देते हो यार, इन ग्रैनी ग्रैंडपा को बोलो इतना पैसा कमाते हो, थोड़े इन दरवाजों को ग्रीसिंग भी कर ले। ये दो, ये दरवाजा खुल गया, अभी जल्दी से हम नीचे जाते हैं और हमारा एक प्लान को फॉलो करते हैं। मतलब हम इस नीचे यंत्र मानव के पास आएंगे और इसे बोलेंगे भाई चिल्ला, जोर से चिल्ला। हाँ अभी ये चिल्ला है, अभी हम जल्दी से भागेंगे। मतलब ग्रैनी और ग्रैंडपा जल्दी से मैराथन की स्पीड से आ रहे होंगे, जल्दी से यहाँ पर जाके छुप जाता और देखते हैं कौन नंबर वन आता है। भाइयों ये आ गई हमारी ग्रैनी। भाइयों देख रहे हो कितनी स्पीड है भाई, ये तो हमारे पीछे लग गई ना तो हमारे तो एल लग जाए। हमारी ग्रैंडपा भी बहुत ही तेजी से आ गए, अभी हम जल्दी से बाहर चलते हैं और ऊपर जाके उस टेडी को उठा के जल्दी से बाहर भाग जाते हैं। भाई हमने ये टेडी उठा लिया, मतलब ग्रैनी और ग्रैंडपा हमारे पीछे बहुत ही ज्यादा गुस्से से पड़ गए होंगे, एकदम खुले सांड की तरह। अभी जल्दी जल्दी बाहर जाता हूं, उनका वेट करता हूं, देखते कौन आगे आता है और कौन पीछे। अगर ग्रैंडपा आ गए है तो बहुत ही ज्यादा बैंड बजने वाली है। और गाइस ले ग्रैंडपा आ गया है, मतलब अभी ग्रैनी को कैसे गोली मारेंगे। भाई भागो जल्दी जल्दी भागो। लेकिन ये देखो मैं तो मर गया, लेकिन आप लोगों ने स्क्रीन पे मैसेज देखा होगा कि ग्रैनी गॉन फॉर 30 सेकंड, मतलब भी मर गई। गाइस ये हमारा सेकंड ही चालू होगा, जल्दी से बाहर जाकर मेरे को ये चेक करना है कि ग्रैनी सच में मरी है या नहीं। जबरदस्त है, ये हमारा दरवाजा खुल गया, अभी हम डायरेक्टली टेडी के पास जाने वाले हैं। और ये रहा हमारा टेडी, और जल्दी से इस टेडी को उठाते और देखते अगर ग्रैनी आई तो समझ लेना कि पिछली बार ग्रैनी मरी नहीं थी। और ये देखो ये ग्रैनी आ गई। भाई देख रहे हो ग्रैनी गेम कितना ग्लिच गेम है, अभी बुड्ढे अभी तो मार दे मार दे मार दे। ये चलो ये दुख का ही खत्म नहीं होता यार, मतलब ग्रैनी का डंडा भी खाओ और ग्रैंडपा के शॉटगन भी हुआ। जैसे कि आपको पता है कि एक्सट्रीम मोड में बाकी के 3 दिन मेरे साथ क्या हुआ होगा। जबरदस्त, अब लग रहा है कि रमेश की बात सुनी लेनी चाहिए थी, जोश में हमें सच में होश खो बैठ गया। अब ग्रैनी और ग्रैंडपा मेरे साथ दिवाली मनाने वाले। ये देखो क्या मस्त फटाका फेंका इसने, और ग्रैनी तो पीछे भग जाएगी और ग्रैंडपा तो मस्त वापस जाके चश्मा लगाएगा। ये रहा हमारा ग्रैंडपा, जैसे अंदर ये हुआ बॉम्ब ब्लास्ट, और ये देखो ग्रैंडपा ने अपनी शॉटगन कंधे पे रखी और ये लगाया चश्मा। अभी आ गया वापस। So, दोस्तों मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मुंह पानी कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो भाई आ गया मजा, तो चलो अब तुम इजी मोड में खेल रही तो मैं भी आऊंगा तेरे साथ, लेकिन अब से मैं स्क्रीन पे नहीं देखूंगा। रमेश चल तो मेरे साथ, बहुत मजा आएगा तेरे को भी। तो रमेश ये हो गया हमारा डे वन स्टार्ट, ये हम नींद से उठे, देख रहे हो हमें इन्होंने कैसा कमरा दिया। तो जल्दी से नीचे बुझुक के हम लोग ये लॉक पिक उठा लेते हैं और ये दरवाजा खोल लेते हैं। भाई जाते जाते ग्रैनी को बोलेंगे थोड़ी इन दरवाजों को ग्रीसिंग कर ले। रमेश चुप बैठ वरना ग्रैनी तुम्हारा ही
डंडा बजा देगी। 2000 years later. भाई रमेश हमारा मेन गोल होगा टेडी को ढूंढना, क्योंकि टेडी की वजह से दोनों एक के पीछे एक आते, तो ग्रैनी आगे आएगी तो ग्रैंडपा पीछे आएगी तो ग्रैनी को शॉटगन बजाएगी। तो हम एक प्लान फॉलो करते हैं, नीचे जाते इस यंत्र मानव को बोलते हैं चिल्ला, जोर से चिल्ला, बोया और चिल्ला, और फिर हम लोग वहाँ पर जाके छुप जाएंगे। और भाई इजी मोड में भी रानी का बल्लग उतना ही तेज पड़ता है, इतनी इसलिए ज्यादा खुश मत हो। रमेश तुम्हें क्या लगता है इस मैराथन को कौन जीतेगा, ग्रैनी या ग्रैंडपा, कौन एक नंबर यहाँ पर नीचे आएगा? भाई मेरे को लगता है ग्रैंडपा जीतेगी इस रेस को। चल देखते हैं क्या होता है, कौन जीता है कौन नहीं। रमेश तू हार गया क्योंकि ग्रैनी एक नंबर आई, ना कि ग्रैंडपा। लेकिन ग्रैंडपा कहा है क्योंकि ग्रैनी तो वापिस जाए। हाँ यार ये पता नहीं ये बुड्ढा कहाँ पर मर गया यार, इसको जल्दी जल्दी चलना आता ही नहीं। अभी इस ग्रैनी को जाने देते और फिर वापिस से नीचे जाते, उस यंत्र मानव को वापस से चिल्लाने को बोलते है। भाई चिल्लाए चिल्लाए जल्दी जल्दी जाते क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा अभी नीचे के फ्लोर पे होंगे और जल्दी यहाँ पे जाके छुप जाते हैं। ये गए हमारी दादी जी, लेकिन फिर से दादा जी कहाँ पर रह गए? पर ले जबरदस्त, इस बार ग्रैंडपा भी आ गए, तो जल्दी से हम लोग इसको जहाँ पर ऊपर चलते और ऊपर जल्दी से जाके टेडी को खोज। भाई ध्यान से क्योंकि ग्रैनी जगह जगह पर वो अपनी नुकीली चीजें डालती है। अबे रमेश उन्हें नुकीली चीजें नहीं, उनको ट्रैप बोलते है, जिसे लगा कर हम लोग मतलब उसे निकल सकते है, लेकिन ग्रैनी और ग्रैंडपा वो तक आ जाते है। तो टेडी यहाँ पर है नहीं? और ग्रैनी और ग्रैंडपा की और एक एंटिक चीज मतलब ये उनकी लिफ्ट, पता नहीं कितने साल की ये लिफ्ट, और ये ग्रीसिंग भी नहीं करते, तो इतने स्लो चलती कि तब तक आदमी की एक नींद पूरी हो जाए। टेडी यहाँ पर है नहीं? क्या टेडी यहाँ पर है? यहाँ पर भी नहीं। हमारे ग्रैनी और ग्रैंडपा के काले कौवे के पास कौन थी कि अरे शेर की इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं, और ये साला बेशरम बहुत ही जोर से काटता है, तो जेल ये जलते जलते उतरते और हमारे सिलेंडर ना दीदी के कमरे में क्या है देखते, अरे बा ये क्या हुआ? मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि ग्रैनी का पहले दिन में इतना ही प्लेयर कमजोर हो जाए कि इतने छोटी से हाइट से कूदी मारने से भी वो मर जाए। भाई कुछ भी हो रहा है इस गेम में, डे टू हमारा चालू हो गया। इसके आगे की कॉमेंट्री में करूँ? ठीक है रमेश तू कर, जी ले अपनी जिंदगी। दूसरे दिन जैसे हम लोग अपनी नींद से उठे तो सबसे पहले हमने इसे बिना ग्रीस वाले दरवाजे को खोला, बहुत ही देर लगी लेकिन खोली लिया। फिर हम लोग लग गए छोटी सी गुड़िया की तलाश में, हाँ अंग्रेजों यानी कि टेडी। भाई रमेश तू तो मेरी कॉमेंट्री सीख गया, वाह बढ़िया बहुत बढ़िया जबरदस्त। भाई जल्दी से नीचे जल्दी और देखते हमारा जो नीचे वाला रूम है यानी कि वो ट्रेन वाला, वहाँ पर उन्होंने क्या रखा है। ये सिलेंडर दीदी तो बहुत ही ज्यादा तंग करती है। रानी और गंपा ने इस रूम में रखा है प्लैंक जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग ले लेते हैं। चलते इस प्लैंक को लेकर ऊपर और देखते उस प्लैंक को रखे, अरे उसमें रूम में क्या, अरे अरे ग्रैनी आ गए, चलो जल्दी से पीछे चलो पीछे। सिलेंडर दीदी अरे मैं तो गया, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि हम लोग मर गए, लेकिन किस्मत से हम लोग बच गए। तो गाइस हम लोग ग्रैनी को यहीं पर छोड़ के चलो ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर ग्रैंडपा है, चलो ग्रैंडपा के भी थोड़ी मजा नहीं है। ग्रैंडपा शॉटगन मार रहा है लेकिन हम लोग बड़ी आसानी से छुप जाएंगे। अरे अरे ये क्या हो रहा है, ग्रैंडपा ने सीढ़ियों के पार पार गोली मारी। मैंने बोला था रमेश को कि ज्यादा शानपटी मत करो, ये रमेश इतनी देर ऊपर नीचे रूम को देख रहा था और इसने ये रूम नहीं देखा और ये टेडी इसमें ही बैठा है। तो रमेश हम लोग वापस से वही वाला प्लान फॉलो करने वाले, मतलब नीचे जाएंगे और उस यंत्र मानव को कहेंगे भाई चिल्ला, जोर से चिल्ला, फिर ग्रैनी ग्रैंडपा आएंगे, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे टेडी को लेकर। देख रहे हो कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, मतलब यहाँ से ग्रैनी और ऊपर से 100% ग्रैंडपा होंगे। अरे ग्रैंडपा होंगे ना तो हमारे तो एल लग गए। भाई बच गए ऊपर ग्रैंडपा तो नहीं, लेकिन हम लोग इस दरवाजे के पीछे छुप जाएंगे थोड़ी देर जब तक ग्रैनी आती नहीं है। तो गाइस ग्रैनी अभी चली गई, तो चलिए हम लोग नीचे चलते और हमारा वो वाला प्लान को फॉलो कर दिए। देखो ग्रैनी ने यहाँ पर कितना सारे ट्रैप लगा के रख दिए। ग्रैनी भी कितनी बुद्धू है, उसको लगता है हम लोग उसकी ये वाले इतने छोटे वाले ट्रैप में फंसेंगे। बिल्कुल भी नहीं, वो हम लोग प्रो है। हाँ इसलिए तुमने एक्सट्रीम से इजी में कर लिया ना। भाई रमेश तो चुप बैठ और यंत्र मानो तो चिल्ला, जल्द से चिल्ला बे, चिल्ला जल्दी जल्दी चिल्ला, फिर हम लोग हम जहाँ से भाग जाएंगे। ये हमारा यंत्र मानो चिल्लाए और ये हम लोग यहाँ पर जाके छुप गए और इन दोनों का वेट करे और देखते इस बार कौन जीतता है मैराथन। और ये गए हमारे दादाजी और देखते दादी जी कब तक आती है। ये आ गए हमारी दादी जी, लेकिन ये दादी जी इतने स्लो आई कि हमारे दादाजी वापिस से ऊपर जा रहे हैं। यार ऐसे मत कीजिए दादाजी। सो गाइस हम वापिस से गए उस यंत्र मानव के पास, उसको बोला चिल्ला, फिर ये सिलेंडर दे दे रहे, हमें बहुत परेशान किया, फिर वहाँ पर हम वापिस से जाके छुप गए। छुपने के बाद ये आ गए हमारे दादाजी और दादीजी कब तक आती है फिर देखते, अगर ये दादीजी लेट आई तो इसको मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। भाई दादीजी तो आ गई लेकिन तेरे को हाथों से मारने के लिए वेपन तो चाहिए हुए, अभी ज्यादा वचवच मत कर ऊपर चढ़। हां रमेश तू मेरे को मत सिखा, तो चाहिए गाइस जल्दी से ऊपर चलती हुई। ये हमने अपना उठा लिया ये टेडी और ये टेडी उठाया, यानी कि ये देख लीजिए ग्रैनी और ग्रैंडपा हमारे पीछे खुले सांड की तरह पड़ गए, इसलिए हम जल्दी से बाहर चलते हैं। बाहर चल के हमारी जो वहाँ पर गाड़ी पार्क की वहाँ पर जगह खड़े रह जाए और देखते हैं कौन आगे आता है कौन पीछे आता है। मेरे को तो ये चाहिए ग्रैनी आगे आनी चाहिए और ग्रैंडपा। काफी देर रुकने के बाद हमारे सिलेंडर दीदी के हाथों से परेशान होने के बाद आखिर ग्रैनी और ग्रैंडपा आ ही गए। 2000 years later.
और जैसे कि मुझे चाहिए था ग्रैनी आएगी और ग्रैंडपा पीछे, वैसे वो आ गए। ग्रैंडपा ने आते ही मुझे बोला आई सी यू और ऐसी गोली चली जिससे वो हमारी ग्रैनी वो ढेर हो गया और हमारे स्क्रीन पे मैसेज आ गया ग्रैनी इज नाउ गॉन फॉर 2 मिनट एंड 30 सेकंड, जिससे मेरे मन को बहुत ही ज्यादा सुकून मिला। मैंने अपने दादाजी की छोटी गुड़िया को नीचे फेंक दिया, लेकिन ग्रैंडपा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा क्योंकि ग्रैंडपा और मेरा प्यार कुछ ज्यादा ही तगड़ा है और ग्रैनी पा के साथ मेरे को सिलेंडर दीदी ने भी बहुत ज्यादा परेशान किया। मैंने डिसाइड किया जल्दी से वेपन की ढूंढने का और इस बुढ़िया को उड़ा देने का। थोड़ी देर खोज करने के बाद मेरे को एक नारियल मिला और फिर मैंने थोड़े पत्थर भी उठा दिए ताकि स्क्रीनशॉट की मदद से मैं ग्रैंडपा का खोपड़ा उड़ा दूं। फिर मैंने 2 पत्थर इकट्ठा कर लिए। ग्रैंडपा उधर से बोले स्वागत तो करो हमारा, तो इसी के साथ हम लोग यहाँ से गोल गोल फिर के भाग गए और ग्रैंडपा को थोड़ा चकमा चका नारियल को कटवाने वाली मशीन पे आ गए और उस नारियल से हमें मिली पैडलॉक की, जिसकी मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, मेरे को चाहिए थी वेपन की। तो मैंने वापस से थोड़ी खोजबीन शुरू की। उसी के बीच में ग्रैंडपा और सिलेंडर दीदी ने मेरे को बहुत ही ज्यादा परेशान किया, लेकिन मैंने कार की डिक्की में ग्रैंडपा ने जो वेपन खींच छुपा के रखी थी मैंने उसको ढूंढ ली। वो वेपन के लेके जल्दी से ग्रैंडपा के कमरे में गया और अपना हथियार उठा लिया, लेकिन वहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे ग्रैंडपा पहले मौजूद थे और उन्होंने हमारा खोपड़ा उड़ा डाला। भाई ध्यान रखना हमारी ग्रैनी भी जिंदा हो गई होगी। हाँ, रमेश अभी ये जल्दी से स्लिंगशॉट लेती और ग्रैंडपा का जो पीछे से खोपड़ा उड़ा डालते है। दो पत्थर उनमें से ये दोनों की दोनों उस ग्रैंडपा का बजा देते थे, एक तो काम हो जाएगा और ये हमारा ग्रैंडपा गया पट से हेडशॉट। तो ग्रैनी के पतिदेव यानी कि हमारी प्यारे प्यारे ग्रैंडपा मर गए, यानी कि ग्रैनी बहुत ही गुस्से से ऊपर आती होगी और ग्रैनी को इस बार हम उड़ाएंगे हमारी शॉटगन से। हमारी ग्रैनी ऊपर तो नहीं होगी, नीचे होगी, नीचे से फुल स्पीड में आ रही होगी और ये देखो ये रहे हमारी ग्रैनी और ग्रैनी को भी देखे हम फट से हेडशॉट। अरे 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 पहला मिस हो गया, भागो भागो ग्रैनी मार डाली गई। हाँ दूसरा लगा। अरे गाइस सच में बता रहा हूँ, अगर थोड़ा भी दूसरा मिस हो गया होता तो मेरी तो बैट बच जाएगी, तो मेरे दोनों टारगेट पूरे हो गए। इस शॉटगन को ये पर ड्रॉप करता हूँ और मैं चला खुदकुशी करने और मैं इस गंदे नाले में अपने मंगरू के हाथों से मरूंगा। हमारे मंगरू को आने से पहले हमारी सिलेंडर दीदी ने हमें मार डाला। सो गाइस आज की इस मेरी पहली लॉन्ग वीडियो को मैंने थोड़ा फनी बनाने की कोशिश की और मेरे जो टारगेट थे जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे दिए थे वो मैंने दोनों पूरे कर दिए। अगर आप लोगों को ऐसे और चैलेंज की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो का लाइक बोले 111 यानी कि 111 और इसको पूरा कर दो तो इसकी नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगी और आप लोग ऐसे ही चैलेंज मेरे को कमेंट में दे सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस जॉइन इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे क्लाइम एंड स्टे हैप्पी। जय माता दी, लेट्स रॉक।